नमस्कार, मैं अमित जायसवाल पत्रिका.com पर आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ पारस सकलेजा जी हैं, जो कि व्यापम महाघोटाले के विसल ब्लोअर हैं और रतलाम के पूर्व विधायक भी। हम आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने 634 स्टूडेंट का प्रवेश निरस्त किया है। ये ऐतिहासिक फैसला है और इस पर पारस सकलेजा जी की क्या राय है, हम उन्हीं से जानते हैं। व्यापम ने 2008 से लेकर 2011 तक जो MBBS के एंट्रेंस एग्जाम PET के माध्यम से प्रवेश हुए थे, उनकी जांच की और जांच में उन्होंने स्कोरर के रूप में रोल नंबर सेटिंग में 634 लोगों को इन चार साल के अंदर दोषी पाया। 634 बच्चों की उन्होंने परीक्षा देने के गलत तरीके अपनाने पर परीक्षा निरस्त कर दी और कॉलेज ने उन्हें कॉलेज से रेस्टिकेट कर दिया। इसके खिलाफ ये लोग सारे हाईकोर्ट में गए, हाईकोर्ट ने व्यापम के फैसले को बरकरार रखा और उसके खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट ने तीन स्टेज में आज आखिरी फैसला दिया और उनका प्रवेश निरस्त कर दिया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का अपना फैसला है, लेकिन हमारा मानना है कि ये फैसला थोड़ा सा दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि व्यापम ने जिन 634 लोगों की जांच जिन दस्तावेजों के आधार पर की, जो कमेटी जाँच के लिए बनाई, हम शुरू से उस पर आपत्ति लेते रहे हैं। हमने कहा कि व्यापम की यह कमेटी है यह प्रॉपर जांच करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए योग्य नहीं है, जबकि गांधी की खुद की बच्ची 2009 की परीक्षा में MGM कॉलेज इंदौर में एडमिशन प्राप्त कर चुकी है। इस कमेटी ने उस बच्ची के एक नंबर पहले वाले और एक नंबर बाद वाले को तो कॉलेज से बाहर कर दिया, लेकिन इसकी बच्ची को उसने बचा लिया। यह एक उदाहरण सिद्ध करता है कि यह जाँच प्रॉपर तरीके से नहीं हुई। दूसरा, इस कमेटी की जाँच को पुलिस में रिपोर्ट नहीं किया गया और पुलिस ने इस पर प्रकरण भी दर्ज नहीं किया कि आखिर कमेटी की जांच सही है या नहीं है। और आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, अब 634 बच्चों में से लगभग सारे डॉक्टर बन चुके हैं। 2008, 2009, 2010 वे अपनी जूनियर इंटर्नशिप पूरी करके MBBS की डिग्री प्राप्त कर चुके हैं। 2011 के 140 बच्चे लगभग 6 महीने बाद डॉक्टर बनने जा रहे हैं। इतनी पढ़ाई कर लेने के बाद और इतने विलंब से इन फैसले को करना, आखिर लगता है कि कहीं ना कहीं उन बच्चों के साथ न्याय नहीं हो रहा है। हम पूरे फैसले का इंतजार कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इन बच्चों को और अलग से कोई सुविधा देने के लिए उल्लेख किया नहीं किया। अगर नहीं किया हुआ तो हम सुप्रीम कोर्ट में पुनः अपील करेंगे कि बच्चों के लिए कोई सुविधा दी जाए और हम शासन से यह भी मांग करेंगे, विशेषकर CBI से, कि 2008 से लेकर 2011 के दिन 634 बच्चे को प्रकरण को व्यापम ने निरस्त किया है, इसको अपनी जाँच में शामिल करें।